बस स्टैंड श्री सैलम का वेटिंग हॉल मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपनी बस का वेट कर सकते हैं। 5 और 6 से हमारे को बस मिल जाता है तिरुपति बालाजी जाने के लिए। नहीं तो मेरी जर्नी इसी बस से आज होने वाली है। तो गाइस 2 मिनट पहले हमारी गाड़ी डिपार्चर हो चुकी है श्री सैलम बस डिपो से। आप देख रहे हैं ये हमारी बस की स्पीड है, टीवी चल गई भाई। बाकी देख रहे हैं ये है बस स्टैंड। हे गाइस, मैं हूं जीतू और इस समय मैं हूं श्री सैलम में। और आज की वीडियो में मैं आपको श्री सैलम से तिरुपति बालाजी का एक बस टूर दिखाने वाला हूं, और साथ साथ आपको बताऊंगा कि आप बाय बस कैसे जा सकते हैं, बसों की क्या टाइमिंग है, कितनी देर में बस आपको वहां पहुंचा देगी, और वहां पहुंच के किस तरह से आगे प्रोसेस है, पूरा आपको डिटेल वीडियो होने वाला है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं श्री सैलम से तिरुपति बालाजी जाने का तो बिल्कुल राइट वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में आपके साथ सारी जानकारी शेयर करने वाला हूं। तो चलिए आज मेरे साथ करिए श्री सैलम से तिरुपति बालाजी की बस जर्नी। और सामने देख रहे हैं, सामने मंदिर से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे बस स्टैंड श्री सैलम का। और यहाँ से आपको हर जगह की बसेस मिल जाती हैं और यहीं से आपकी टिकट भी बुक होती है। तो ये यहाँ का बस स्टैंड है, तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। इसके जस्ट बगल में आपको डोमेस्टिक रूम की फैसिलिटी भी मिल जाती है, तो यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं। बाकी ये इसका एंट्री गेट है जहाँ से अभी हम एंट्री ले रहे हैं। और जैसे आप एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 काउंटर मिल जाएंगे, TSRTC का और APSRTC का। दोनों तरफ काउंटर हैं और दोनों तरफ से आप अपनी बस की टिकट बुक करा सकते हैं। ऑफलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है, ये चीज़ सही है भाई। बाकी जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक बहुत बड़ा वेटिंग हॉल मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपनी बस का वेट कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं। और बात करूँ मैं अपनी बस की, तो इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं, तो 5 और 6 से हमारे को बस मिल जाता है तिरुपति बालाजी जाने के लिए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है श्री सैलम का बस स्टैंड, और यहाँ से आपको मोस्टली जगहों की बस से आप जा सकते हैं, जैसे कि हैदराबाद, चेन्नई हो गया, तिरुपति बालाजी हो गया, मोस्टली सिटियों से इसकी वेल कनेक्टिविटी है, तो यहाँ से आप आराम से बस चेंज करके किसी भी स्टेट में पहुँच सकते हैं। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कितनी सारी बसेस हैं भाई, और बसों की टाइमिंग अलग अलग है, तो ये देख सकते हैं यहाँ है नंबर वाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से है। और सामने 5 नंबर काउंटर 6, 5 और 6 से आपको बस मिलने वाली है तिरुपति बालाजी की। और मैं बात करूँ यहाँ पे बसों की टाइमिंग की, तो जो मॉर्निंग में जो पहली बस यहाँ चलती है वो 7:30 बजे चलती है, और उसके बाद जो दूसरी बस है वो है 2 बजे की, ठीक है। उसके बाद फिर 1-2 घंटे गैप आता है, उसके बाद फिर 4:30 से बस चल होती है, 4:30 हो गया, 4:45 हो गया, 6:18 हो गया, इस तरह से चलते हैं। और लास्ट बस जो आपकी है वो यहाँ पे 8:30 बजे की है। तो ये बसों की टाइमिंग है, तो आप इसको याद रखना और उसके हिसाब से अपना टूर यहाँ पे आप प्लान कर सकते। आज की जो हमारी जर्नी होने जा रही है यहाँ की बसों से होने वाली है, APCRTC से, जो कि आंध्र प्रदेश परिवहन निगम के अंडर आती है। तो ये बसें देख सकते हैं इस तरह से। बाकी अभी जो हमारी बस आएगी तो पूरा बस का आपको इंटीरियर वगैरह भी दिखा दूंगा, बस अंदर से कैसी है। ये बस डिपो है, यहाँ पे आपको खाने पीने की देख सकते हैं, पानी की बोतल यहाँ पे नॉर्मल सोप भी मिल जाती है, तो आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। खाने पीने की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। अभी जो मेरी बस है वो 4:30 बजे की है, तो अभी भूख लगी हुई थी, तो अभी गली में 2 बज रहे हैं, तो मैंने फ्राइड राइस लिया है विथ मंचूरियन। और यहाँ पे बात करूँ प्राइस की तो वो 80 रुपये प्लेट के हिसाब से देते हैं, तो मैंने पैक करवा लिया था, अभी आधा अभी खा रहा हूँ, आधा मैं शाम के टाइम खाऊंगा, क्योंकि जो हमारी जर्नी है वो 11 घंटे करीब होने वाली है। और आज जो हमारी जर्नी होने जा रही है जस्ट आप देख रहे हैं इसी बस में होने वाली है, और इस तरह से पूरी बस है भाई, तो 11:30 घंटे करीब इसी बस में आपको बिताने हैं। बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ बाहर से इस बस की कंडीशन कुछ इस तरह से पूरी भाई। ये बस है देख सकते हैं, सुपर लग्जरी करके लिखा हुआ है, बाकी मुझे सुपर लग्जरी वाली कोई चीज़ में दिख नहीं रही है। बाकी कोई नहीं, चले चलते हैं और आपको बस अंदर से दिखाता है कि बस पूरी अंदर से किस तरह से पूरी होने वाली है। तो चलिए चलते हैं, आपको बंदूक का अंदर का पूरा इंटीरियर दिखाते हैं कि किस तरह से बस है। देखिए ये एंट्री गेट है, और ये हो गया आपका ड्राइवर का केबिन, तो इस तरह का केबिन है। और यहाँ बात करो बस की तो 2x2 की यहाँ सीट होने वाली है, और इसे देख सकते हैं इधर लगेज रखने का ऑप्शन है। तो जो हमारी सीट है वो है यहाँ पे विंडो साइड 19 नंबर, बुक कर रखी बुक। तो इसी बस में आज हमारा पूरा 11:30 घंटे का सफ़र होने वाला है। और मैं बात करूँ बस की टाइमिंग की, तो मेरी बस है वो है 4:30 बजे की, और अभी घड़ी में 4:22 हो गए हैं, तो 8 मिनट रह गए अपनी गाड़ी को यहाँ से डिपार्चर होने को। चलिए चलते हैं और आज करवाते हैं आपको श्री सैलम से तिरुपति बालाजी की एक बस जर्नी। और मैं बात करूँ अपनी सीट की, तो सीट कुछ इस तरह से होने वाली है। और जो प्रीवियस जर्नी थी उसमें कह रहा थोड़ी सीट हार्ड थी, बाकी इसमें सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। बाकी यहाँ पे हैंड रखने को भी ऑप्शन है, देख सकते हैं यहाँ पे हैंड रख सकते हैं, तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ से सीट को एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये एडजस्टेबल सीन है, तो ये ठीक है। बाकी यार 11 घंटे जर्नी है तो भाई इस तरह से सिस्टम होना ही चाहिए, अदरवाइज थोड़ा तो दिक्कत हो जाता है। तो भाई 2 मिनट पहले हमारी गाड़ी डिपार्चर हो चुकी है श्री सैलम बस डिपो से, और अभी आप देख रहे हैं ये इसका डिपार्चर है। अभी हमारी बस निकल रही है, और जो ये रोड देख रहे हैं
पहले कर दो तीन वाला रोड है जिससे आकर आप दर्शन करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं फूड का कुछ इतना स्पेस है, थोड़ा सा स्पेस कम है भाई, ताकि यहाँ पे रखने का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, चीज ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे बॉटल होल्डर का भी सिस्टम है, ठीक है जी। और अभी आप देख रहे हैं ये वही रोड है जहाँ से मंदिर दर्शन करते हैं, तो बस देख सकते हैं बस अब जा रही है। जो मैंने टिकट कटवाया है उसमें दिखा रहा है कि 11.5 घंटे करीब टाइम लेगी और 4:30 बजे चली है और वहाँ पे त्रिपुति बालाजी 4:20 मॉर्निंग में पहुँचाएगी। लेट्स सी कितना टाइम लगता है या ज़्यादा टाइम लगता है, सब कुछ डिटेल आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। आप देख रहे हैं ये हमारी बस की स्पीड है, और वहीं बात करूं बस की स्पीड की तो जो इस बस की स्पीड है वो एवरेज स्पीड 60 है और जो मैक्सिमम स्पीड है वो 80 से 100 के बीच में रहती है। सो गाइस फाइनली हमारी बस पहुंच चुकी है ढाबे पे। सो गाइस 50 किलोमीटर चलने के बाद हमारी गाड़ी रुक चुकी है ढाबे पे, और यहाँ पे थोड़ा सा हम चाय पानी पियेंगे और घड़ी में अभी 6 बज रहे हैं, तो चलिए चलते हैं और थोड़ा चाय पानी पी लेते हैं। बाकी देख सकते हैं ये ढाबा है जिसमें हमारी बस रुकी हुई है, और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, बाकी अभी थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लेंगे और जो खाना पीना है रात को लेट में करेंगे, ठीक है। नहीं मसाला नहीं, तो अभी हम ले रहे हैं गर्मा गर्म चाय। गाइस अभी हमने लिए गर्मा गर्म चाय, और क्योंकि मैंने मॉर्निंग में चाय नहीं पी थी तो अभी अब इवनिंग की चाय हो रही है, और मैंने लिया है बड़ा, आपको दिखा देता हूँ वीडियो में, देखिए ये लिया है बड़ा और इसको हम खाने वाले हैं। तो ये है बड़ा, चाय का खाना काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब तो हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और डिनर काफ़ी लेट बच रही है, आप दूसरे ढाबे हमारी गाड़ी रुकेगी। सो गाइस 20 से 25 मिनट ढाबे पर रुकने के बाद हमारी गाड़ी फिर निकल चुकी है अपने सफ़र पे, और अपना सफ़र स्टार्ट हो गया है फिर से। बाकी देख सकते हैं बाहर का वेदर, और अब शाम हो गई है, सूरज ढल चुका है और कुछ इस तरह पूरा व्यूज पॉइंट है। तो गाइस थोड़ी टाइट हो गई है, तो इस तरह से पर गाड़ी की लाइट बंद गए हैं और ये टीवी चल गई भाई, और बाकी टीवी में सारा भी जो प्रोग्राम हो रहा है वो तमिल और कन्नड़ में आ रहा है, तो मैं तो समझ में आएगा नहीं। सो गाइस 3 घंटे चलने में हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है मार्कापुर बस स्टैंड पे, और यहाँ पे एक सवारी उठाएगी और फिर इसको तुम्हारा सफर होगा जो कंटिन्यू होगा। और अभी घड़ी में 7:30 बज रहे हैं और हमारी गाड़ी श्रीशैलम से 4:30 बजे स्टार्ट हुई थी। अभी आप ये देख रहे हैं ये बस स्टैंड का पूरा लुक है इस तरह से। फिर से हमारी गाड़ी निकल चुकी है अपने सफर को कंटिन्यू करते हुए मार्कापुर बस स्टैंड से। गाइस 4 घंटे चलने के बाद हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है पोटली बस स्टैंड पे, और यहाँ हम लंच करने वाले हैं, और घड़ी में अभी 8:30 बज गए हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का पूरा नज़ारा है भाई इस पूरे बस स्टैंड का, देखिए ये खड़ी है हमारी बस इस साइड, और इधर देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारी खाने पीने की, और इस साइड आप देख सकते हैं सर आपको काफ़ी सारी खाने पीने की दुकान मिल जाएंगी, देखिए। और ये है अभी डिपो, यहाँ हमारी बस खड़ी है, देखते हैं कुछ खाने पीने को मिलता है तो कुछ खाते हैं। आधा घंटा रुकने के बाद फाइनली हमारी बस फिर से निकल चुकी है अपने सफर पे, और अभी घड़ी में करीब 2 बज रहे हैं, तो दिखते हैं अगर बीच कुछ ऐसा होता है तो मैं आपके साथ जरूर वीडियो शेयर करूंगा, वरना अदरवाइज मिलेंगे सीधा आपसे मॉर्निंग में। The next morning.
सो गाइस ऑन द टाइम हमारी बस ने हमें छोड़ दिया है बस स्टैंड पे, और इसकी जो टाइमिंग थी 4:20 पे थी, और जब मेरे भाई नींद खुली तो पूरी बस खाली पड़ी थी, और मतलब 4:50 हो रहे थे सुबह का, बस में कोई भी नहीं था। तो जल्दी से मैं उठा और मैं अभी बाहर आ गया हूँ और आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बस ऑन द टाइम पहुँचा दिया, ये बात बिल्कुल सही, बहुत बिल्कुल सही थी कि अभी मैं बस स्टैंड पर खड़ा हूँ, यही बस स्टैंड है, और यहाँ से बात करूँ रेलवे स्टेशन की तो 800 से 900 मीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन भी यहीं से पड़ जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं आपको हमको रूम का व्यवस्था किस तरह से मिलता है, क्या मिलता है, जो भी होगा आगे वीडियो में शेयर करूँगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हर जगह की बसेस आ रही हैं, और काफ़ी सारी बसेस हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे अलग नाम लिखा था जहाँ बताया मैंने, और वहाँ पे अलग नाम लिखा है। बात ओवरऑल कहना मतलब ये है कि जो इसका नाम बस स्टैंड का है वो है तिरुपति बालाजी, अगर आप गूगल मैप में भी चेक करेंगे सेम आपको वही नाम दिखाएगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा कि हम कोई दूसरे स्टेशन पर आ गए हैं, ठीक है। अब बारी आ जाती है होटल फाइंड करने की, तो चलिए देखते हैं किस हिसाब से कितने का होटल यहाँ पे हमें मिलता है। बाकी ये होटल है जिसमें मैंने स्टे करा है, श्री ईवीजी रेजिडेंस, तो इसमें मैंने स्टे करा है, ये देख सकते हैं इसका एम्बियंस है। बाकी सामने रोड है, इस रोड से जस्ट सामने ही है वॉकिंग डिस्टेंस पे। मैंने अभी रूम ले लिया है तिरुपति बस स्टैंड के पास में ही, और अभी देख रहे हैं ये मेरा रूम है, और भाई रूम बहुत ज़्यादा मुझे ढूंढना पड़ा और उसके बाद मुझे मिला है, और बस स्टैंड से मात्र ये 100 मीटर या 150 मीटर की दूरी पर ही है। बाकी मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आपको ये ट्रिपल बेड मिल जाएगा, आपको दो बंदे आ सकते हैं सिंगल यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से देख सकते हैं सामने विंडो है, इधर टीवी है, और इधर हमारा सामान रखा है, टेबल वगैरह का कुर्सी है। और सबसे बड़ी बात जो हम ट्रेवल ब्लॉगर को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है चार्जिंग के पॉइंट, 2 चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे है और 2 सामने हैं, ठीक है। और ये बहुत बेहतर है, ये मिरर हो गया जो कि काफ़ी साफ सुथरा है, और ये है वॉशरूम इसका, कुछ इस तरह से देख सकते हैं पूरा वॉशरूम है भाई। तो ये रूम है, बात कर लेते हैं कि रूम मुझे पड़ा कितने का है। तो तिरुपति बस स्टैंड के आसपास जितने भी होटल्स हैं, काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, एसी नॉन एसी है यहाँ पे। और बात करूँ प्राइस की, तो यहाँ पे नॉन एसी रूम आपको 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये के बीच में पड़ जाते हैं, और वहीं बात करूँ एसी वाले रूम की, वो रूम आपको 1500 से 2500 के बीच में पड़ते हैं, वो डिपेंड करता है किस तरह का रूम है। बाकी अभी जिस रूम में मैं ठहरा हूँ ये है नॉन एसी रूम, जो कि मुझे पड़ा है 1200 रुपये का। बाकी आप बार्गेनिंग वगैरह करेंगे तो आपको ये रूम 1000 रुपये में पड़ जाएगा। तो इस तरह से पूरा रूम है, बाकी डिपेंड भी करता है कि आप किस सीजन में आ रहे हैं। तो यही है रूम, बाकी अब चली चलते हैं, और अभी मॉर्निंग के 6:30 बज रहे हैं, चलते ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर यहाँ से बस पकड़ के पहुँचते हैं त्रिवुमाला, और फिर वहाँ से आपको दिखाएंगे किस तरह का प्रोसेस है आगे। मॉर्निंग स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे यहाँ के ब्रेकफास्ट अपने ब्रेकफास्ट से, और इसमें हमने लिया है बड़ा, और इस तरह से चटनी है नारियल चटनी और टमाटर चटनी, और साथ में गरम गरम चाय। स्वागत करते हैं यहाँ की गरम गरम चाय से, और बड़ा विथ चटनी, मजा आ गया। आपको चाय